हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। सिर्फ 3 ही लड़के ज्वाइन हुए हैं, थोड़ा देर और रुकते हैं। ठीक है, मॉर्निंग। हाँ मैम, हेलो। यस ओके, गुड मॉर्निंग गर्ल्स। हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था मैम, क्वालिटी मैनेजमेंट का, हम वो कंप्लीट करते हैं आज। ओके, बिफोर स्टार्टिंग थोड़ा सिलेबस मैं आपको बता देती हूँ कि हम सिलेबस के कौन से पॉइंट देख रहे हैं अभी। ठीक है, हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट स्टार्ट हो गया है, जिसमें हम डेफिनेशन एंड कंसेप्ट हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था। ओके, देन हम अभी हम प्रिंसिपल्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट और टेक्निक्स, हम ये 3 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। सिलेबस सबको शो हो गया है गर्ल्स, सबको सिलेबस शो हो गया है? यस यस मैम। मैम। ओके,
गर्ल्स आपको स्क्रीन शो हो रही है? हाँ मैम। प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया था हमारा, बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट देखा था। देन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मीनिंग एंड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ओके दिख रहा है बेटा? यस मैम। मीनिंग ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, लेट अस फर्स्ट नो व्हाट डज क्वालिटी मीन। अगर हमको क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में समझना है तो सबसे पहले हमको क्वालिटी का मतलब समझना आना चाहिए। क्वालिटी मतलब एक उसमें एक अच्छाई, एक प्योर प्योर थिंग। जैसे अगर हम कोई प्रोडक्ट की अगर हम कोई क्वालिटी देखते हैं, हमारी वर्क की अगर कोई क्वालिटी देखते हैं, हमारे काम करने की कोई क्वालिटी देखते हैं, हर बार होता है आप नॉर्मली भी इंसान को जज करते हैं, ठीक है। आपके घर में अगर कोई कुकिंग करता है या आप किसी के घर पे जाते हो तो आप लोग कभी देखते हो कि यार जो तुम्हारी फ्रेंड है वो काफी क्लीन और अच्छा काम करती है, काफी अच्छा अच्छे तरीके से घर को संभाल लेती है। और कोई लोग क्या होता है, कोई काम करता है तो भी काम करते करते घर को और गंदा करता है, कुकिंग करते करते वो किचन को और गंदा करता है। तो आप क्या बोलते हो, काम तो करता है बट वो काम तो करती है बट वो अच्छे तरीके से नहीं करते, सफाई से काम नहीं करती है। तो हम यहाँ पे क्या मेजर करते हैं, हम उनका क्वालिटी मेजर करते हैं कि कितनी सफाई से वो घर को क्लीन करते हुए घर का खाना वो बना रहे हैं। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो हम लोग नॉर्मली एक एक दूसरे को जो हम लोग देखते हैं तो हम लोगों भी एक दूसरे को जज करते हैं, एक दूसरे के क्वालिटीज देखते हैं कि कौन किसमें ज्यादा अच्छा है। कोई क्वालिटी कोई अगर घर के काम करता है तो कितना क्लीनिंग, कितना क्लीनिनेस को इंपॉर्टेंस देके काम करता है, कोई कितना अगर वो कुकिंग कर रहा है कितने टाइम में कर रहा है, कितने क्लीनिंग तरीके से, कितने साफ सफाई से खाना बना रहा है। तो हम क्या देखते हैं, हम क्वालिटी भी देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था अगर हम कोई हम नॉर्मल शॉप से अगर कुछ फूड खरीदते हैं तो आपको पता रहेगा कि उसकी क्वालिटी क्या होगी। वही अगर आप कोई और अच्छे बड़े रेस्टोरेंट से अगर वो फूड को परचेज कर रहे हो तो उसी क्वालिटी क्या रहेगी। दोनों की क्वालिटी की वजह से, दोनों के सरकमफेरेंस के वजह से ही दोनों का प्राइस टैग डिफरेंट है। आप अगर रोड साइड या कहीं से भी अगर छोटे मोटे शॉप से अगर आप समोसा ले रहे हो तो आपको वो 10 रुपीज या 20 रुपीज पर पीस पड़ेगा, ठीक है। वही समोसा अगर आप कोई बड़े रेस्टोरेंट में या बड़े मॉल से या बड़े एसी रूम में अगर आप उसको बैठ के आराम से खा रहे हो पूरे सर्विस के साथ में, तो वही समोसा आपको 25 रुपीज का मिलेगा। क्यों? क्योंकि क्वालिटी वहां पे इतनी सारी ऐड हो गई है। वो लोग क्या कर रहे हैं, आपको क्वालिटी भी तो गुड क्वालिटी आपको प्रेफर कर रहे हैं, आपको अच्छी प्लेट में आपको सर्विंग करके दे रहे हैं, विद डेकोरेट के साथ, विद आपको प्रॉपर सिटिंग प्लेस दे रहे हैं, आपको चेयर दे रहे हैं, टेबल दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, इतना स्पेस दे रहे हैं अगर आपको किसी फ्रेंड के साथ बातें करनी है या टाइम, तो ये सब चीजें की वजह से उसकी क्वालिटी इंक्रीज हो गई है। वही अगर आप छोटे मोटे शॉप से खरीदते हो तो वो आपको समोसा एक पेपर या जो नॉर्मल पॉलिथीन होती है वो उसमें दे रहा है, और वहीं पे थोड़ा सा वहीं पे कहीं आपको खड़े होंगे कॉर्नर में या कहीं पे बैठ के आपको कहीं तो भी कुछ तो भी अरेंज करके आप खा रहे हो। तो इसलिए जो उनकी जो सर्विस एंड क्वालिटीज है उसके हिसाब से उनका समोसे का प्राइस टैग है, ठीक है। आजकल लोग बेटा इसी पे डिपेंड करता है, इसी चीज पे डिपेंड करता है कि आप कितनी गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड गुड क्वालिटी ऑफ सर्विस अपने क्लाइंट्स को सर्वाइव करते हो, अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हो, उसी पे बेस्ट आपकी सैलरी डिपेंड करती है, उसी पे बेस्ट आपका इन्वेस्टमेंट डिसाइड करता है, उसी पे बेस्ट आपका सबसे चीजें डिपेंड करता है। ओके, क्वालिटी रेफर्स टू अ पैरामीटर्स व्हिच डिसाइडेड द सुपीरियरिटीज और इंफीरियरिटीज ऑफ अ प्रोडक्ट सर्विसेज। मैंने अब भी बताया जितना आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रहेगी, जितना आपके प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट का रिजल्ट उतना अच्छा रहेगा तो उतना ही आपका सुपीरियरिटीज बढ़ेंगी, उतना ही आपका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, इंफीरियरिटी भी आपकी इंक्रीज होगी, प्रोडक्ट और सर्विसेज भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। क्वालिटी कैन बी डिफाइंड एज एन एट्रीब्यूट विच डिफरेंशिएट अ प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। अभी क्या डिफरेंशिएटर कर रहा है, जैसे मैंने आपको एक रोड साइड छोटे मोटे शॉप का समोसा बताया और आपको मैं बड़े रेस्टोरेंट का समोसा बता रही हूँ, तो इसमें आप क्या डिफरेंशिएट करोगे बताओ गर्ल, दोनों में क्या क्या फर्क पता करोगे? हेलो गर्ल, सुनाई आ रहा है सभी को? हेलो आरती, दीक्षा, जयश्री, वॉइस आ रही है मेरी? मैंने क्वेश्चन किया आपको, अगर आप रोड साइड से समोसा खा रहे हो और वही आप अगर कोई रेस्टोरेंट में बैठ के अगर आप समोसा खा रहे हो तो दोनों में क्या डिफरेंस आप नोटिस कर रहे हो, क्या फर्क आपको देखने मिल रहा है?
होटल में बैठ के अगर समोसा खाए तो उसके प्राइस ज्यादा लगते हैं, रोड साइड से खाओ तो उसके समोसे की प्राइस कम रहती है। ये एक एक डिफरेंट देखा आपने कि रोड पर साइड वो का जो जो होटल में जो से मतलब वो जो सर्विस है वो रोड साइड पे नहीं है। ओके, ये दूसरी क्वालिटी आपने देखा, दूसरा फर्क देखा, और दो फर्क आपको देखने मिल गए। एक आपको प्राइस टैग पता चल गया दोनों का कितना क्यों अलग अलग है, ठीक है, और दूसरा आपको होटल की सर्विस के बारे में पता है जो आपको बाहर जो रोड साइड के जो जो शॉप होंगे आपको वहां नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ये दो चीज आपको डिफरेंशिएट करने मिल रही है। वैसे ही अगर आपका आपका भी कोई रेस्टोरेंट है, आपका कोई शॉप है, या आपका कोई आप कोई बिजनेस चला रहे हो, या आपका कोई सलोन है, तो लोग इसी में कंपेयर करते हैं। अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर में थोड़ी डिस्टेंस में कोई और सलोन है, वहाँ पे कोई और पार्लर है, तो लोग वही कंपेयर करते हैं कि आपके पास कितना स्पेस है, आपके पास हमको कितना कंफर्टेबल लगता है, आपकी सर्विस कैसी है, आपका हमारे साथ में रिलेशन कैसा है, वही मैटर करता है कॉम्पिटिटर से आपको आगे लेके जाने के लिए, वही चीज मैटर करता है। लोग इस सब चीज को निग्लेक्ट करते हैं, लोगों को लगता है कि हम ज्यादा पैसा लगाएंगे तो ज्यादा कस्टमर आएंगे। जितना ज्यादा आपका कस्टमर रिलेशनशिप बढ़ेगा, जितना अच्छा आपकी क्वालिटी बढ़ेगी, जितना अच्छा आपकी सर्विस बढ़ेगी, जितना अच्छा आपके प्रोडक्ट आप यूज करेंगे, उतनी ही आपके आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे, आपके कस्टमर सेटिस्फेक्शन होंगे, कस्टमर दोबारा आएगा, साथ ही साथ और लोगों को भी लेकर आएगा वो, ठीक है। समझ में आया इतना? तो छोटी छोटी चीजें है ये, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना कोई बिजनेस चला रहे हो, बिजनेस को कोई प्लान कर रहे हो आगे बिल्डअप करने का, तो क्या बता तू and moving towards तो क्वालिटी जो है एक डिफाइन करता है कॉम्पिटिटर से, हमारे डिफरेंशियस प्रोडक्ट हमारे सर्विस को डिफरेंशिएट करता है। जैसे कि अभी मुझे आपने डिफरेंशियस बताया कि आप दोनों में क्या फर्क देख रहे हो, दोनों सर्विसेज में। क्वालिटी प्लेज एन एसेंशियल रोल इन एवरी बिजनेस, ठीक है। क्वालिटी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो आपका। Business markets needs to emphasize on quality of their brands over quantity or to survive the cut throat or competitions, ठीक है। यही क्वालिटी से डिपेंड करता है कि आप अपने कॉम्पिटिटर से कितने आगे हो और कितने आगे बढ़ रहे हो, यही चीजों से डिफाइन करता है, यही चीज पर डिपेंड करता है। और ये जरूरी है कि आपको भी अपनी हर एक बार क्वालिटी पे ध्यान दिया जाए। इसलिए हर बार क्या होता है, बड़े बड़े होटल्स में या बड़े बड़े आप जो होटल इंडस्ट्रीज होता है वहां पे कई बार जो होता है ना, जो मैनेजर्स होते हैं वो लोग हफ्ते में एक बार राउंड अप करते हैं, राउंड मारते हैं वहां पे। क्यों मारते हैं? क्योंकि वो यही चीज को देखते हैं कि कितनी क्या क्वालिटी, क्या इन लोग क्लीनलीनेस है कि नहीं है, इन लोग में इनका जो फूड ये लोग बना रहे हैं, इनका किचन साफ है कि नहीं है, इनके जो भी प्रोडक्ट ये यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर डेटेड है कि आउटडेटेड प्रोडक्ट मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो ये इसलिए टाइम टू टाइम चेकिंग होती है, टाइम टू टाइम टेस्टिंग होती है हर एक चीज की। देन व्हाई वुड अ कस्टमर कम टू यू इफ योर कॉम्पिटिटर इज ऑल्सो ऑफरिंग द सेम प्रोडक्ट? अब मुझे बताओ, बाजू वाला समोसे वाला भी मुझे वही सर्विस दे रहा है और होटल वाला भी मुझे वही सर्विस दे रहा है, बट मुझे मुझे बताओ कि मैं आपके पास क्यों आऊँ, ठीक है। आपका अगर कोई आपका भी सलोन है तो मैं बोल रही हूँ कि मुझे बाहर में भी जो दूसरा एक सलोन है, अगर आपके क्लास में किसी दो लड़कियों ने सलोन डाला है, जैसे कि आरती ने और दीक्षा ने सलोन डाला है, ठीक है, आरती भी जो सर्विस दे रही है वो सेम सर्विस मुझे दीक्षा भी दे रही है। अब मुझे ऐसा कोई एक रीजन बताओ जिससे मैं सिर्फ आप दोनों में से किसी एक के सलोन में ही आऊं, बताओ बेटा। प्राइस कम होगी। यस एग्जैक्टली, आप क्या करोगे वहां पे आप निगोशिएट करोगे, आप कहीं ना कहीं प्राइस कम करोगे, कहीं ना कहीं आप दिवाली का ऑफर दोगे, कहीं ना कहीं आप जो मतलब शादी का जो सीजन होता है नवंबर दिसंबर, उस सीजन में आप थोड़ा और लोगों को ये करोगे कि बम्पर ऑफर है, 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट है ये सीजन में, इस वेडिंग के सीजन में आपको और ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से बीच बीच में आप प्राइस टैग को लेकर या कोई सर्विस को लेकर आप ऐसे ऑफर्स रखोगे जिसमें कि आपका जो क्लाइंट है वो इस चीज पे सोचेगा कि यार आज तो उससे वहां पर ऑफर है, एक बार विजिट कर लेते, ऑफर में चलो पेडिक्योरी कर लेते, ऑफर में चलो फेशियल कर लेते। तो ये ऑफर का फायदा उठाने के लिए तो भी आपके पास एक बार विजिट करोगे। अब
अब आपके पास एक मौका है, उस ऑफर में जितने भी क्लाइंट आ रहे हैं आपको उनके साथ अपना रिलेशनशिप बिल्डअप करना है, उनके साथ में आपको बॉन्ड बनाना है, उनके साथ में आपको इंटरेक्ट करना है, ठीक है। आप फिर पूछना स्टार्ट करते हो कि मैडम आप कहाँ रहते हो, कैसे किस क्या जॉब करते हो, कौन से फील्ड से हो, फिर आप लोग सजेस्ट करते हो कि आपकी हेयर ठीक है, आप इसको ट्रिमिंग कर लो, आपकी आपका फेस ठीक है, आप ये कर लो, आप वो कर लो, आप अपने तरफ से ऑफर कर रहे हो, आप अपने तरफ से कुछ चीज उनको एक्स्ट्रा करके दे रहे हो, कोई फेशियल करने बैठा है तो आप उनके नेल शेपर करके दे रहे हो, आपकी जो भी आपके हैंड के नीचे जो भी लड़कियां है, जो भी पर्सन है उनके साथ, तो आप क्या कर रहे हो, उनको एक्स्ट्रा सर्विस भी दे रहे हो, कम प्राइस भी दे रहे हो, जब वो नेक्स्ट टाइम आएगा तब आपको वो जितना भी आप प्राइस बोलोगे वो आपसे निगोशिएट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी सर्विस उसने फर्स्ट टाइम देख ली कि आपकी सर्विस कितनी अच्छी है, ठीक है। तो ये आंसर सही है कि प्राइस टैग का हम वहाँ पे कर सकते हैं कम ज्यादा, कि जिससे कि आप अपने कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको। द डिफरेंट हैज टू बी देयर इन क्वालिटी, यस क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। आपने प्राइस टैग कम कर दिया बट क्वालिटी अगर ढंग की नहीं रही, या आप कुछ भी एक्सपायरी डेट का प्रोडक्ट ले रहे हो, कुछ भी कस्टमर्स को लगा रहे हो, तो वो तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। योर ब्रांड नीड्स टू बी अ सुपीरियर फॉर इट टू स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट। आपका ब्रांड और आपका नाम ऐसा यूनिक और ऐसा होना चाहिए जो लोगों को याद रहे, लोग उसको रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े, लोगों को इजिली उसका नाम याद हो जाए, ठीक है। इसलिए मोस्टली जो लोग होते हैं, जो लोग वो लोग ऐसे नाम रखते हैं जो लेडीज को प्रिफर करते हैं, लेडीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, सखी जैसे, या फिर कोई ऐसे समृद्धि जैसे, ऐसे नाम रखते जो जिसमें वुमेन्स का नाम डिनोट किया जाता है, वुमेन्स के एम्पावर को डिनोट किया जाता है, ठीक है। क्वीन नाम रखते हैं, सिंगार नाम रखते हैं पार्लर सलून के, तो इससे क्या हो रहा है, लोगों को और इम्फोसाइज कर रहा है, लोगों को और मोटिवेट कर रहा है। नहीं तो आपका आपका सलोन का बिजनेस है और आप कुछ अलग तरीके से नाम रख रहे हो अपने इसका, ठीक है, कुछ और डिफरेंट या कुछ और बहुत टफ वाले नाम रख रहे हो, तो वो कैसा रिलेट नहीं हो पाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, हम वो देखेंगे। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ कंटिन्यूअस एफर्ट बाय द मैनेजमेंट एज वेल एज एम्प्लॉइज ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन टू एंश्योर लॉन्ग टर्म कस्टमर्स लॉयलिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज डिफाइंड, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट डिफाइन करता है कंटिन्यूअस एफर्ट। ऐसा नहीं कि आपने एक बार एफर्ट लगा के बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आप फिर घर पे बैठे हो, इसमें कंटिन्यूअसली एफर्ट्स है, कंटिन्यूअसली आपको नए नए क्लाइंट्स को लाना है, नए नए कस्टमर्स को आपको देखना है, नए नए टारगेट सेट करने हैं, नए नए एरियाज पे आपको जाना है, नए नए लोकेशंस में आपको जाना है, ठीक है। कंटिन्यूअस एफर्ट्स बाय द मैनेजमेंट, और ये सारा मैनेजमेंट का एफर्ट रहता है, कोई एक पर्सन का नहीं, एज वेल एज द एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट के साथ साथ जो एम्प्लॉइज है जो वहां पे काम कर रहे हैं। अटक गए रख देती दो दो। हेलो मैम,
हेलो हेलो। मैम हेलो ओके तो क्या हो रहा है यहाँ पे, मैनेजमेंट का भी काम है साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट का भी काम है, कि जिसमें कि वो क्या करे कंटिन्यूअसली एफर्ट लगाते रहे अपने, कंटिन्यूअसली नए नए आइडियाज दे, नए नए स्कीम्स लाए ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस टू एंश्योर लॉन्ग टर्म कस्टमर्स लॉयलिटी, जिसमें कि उनको लॉन्ग टर्म लॉयलिटी कस्टमर्स का मिले, जिसमें कि लोग ज्यादा समय तक उनके साथ में जुड़े रह सके। और ऐसे क्लाइंट्स को उनको ढूंढना है, ऐसे कस्टमर्स को उनको बनाना है जिसमें कि कस्टमर्स के सारे नीड सेटिस्फेक्शन हो। ओके रिमेम्बर वन हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कस्टमर ब्रिंग्स 10 न्यू कस्टमर्स। अगर आपके फ्रेंड को आपकी सर्विस अच्छी लगी हुई है, आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपका रिजल्ट अच्छा लगा, तो वो ही आपकी फ्रेंड 5 और नए आपके लिए क्लाइंट्स लेकर आएंगी। ये चीज कभी नहीं भूलना गर्ल्स। अगर आप बोल रहे हो कि एक क्लाइंट से हमारा झगड़ा हो गया, ये क्लाइंट को हमने सर्विस नहीं दी, एक क्लाइंट को हमने क्या होता है क्लाइंट्स को अगर अटेंड नहीं किया, तो ये डिपेंड करता है कंडीशन। अगर एक क्लाइंट को छोड़ रहे हो, इसका मतलब आप उसके पीछे आने वाले 5 और क्लाइंट्स को छोड़ रहे हो। अगर एक क्लाइंट को आपकी सर्विस अच्छी लगी, आपका प्राइस ठीक लगा, आपके प्रोडक्ट अच्छे लगे, तो वो ही क्लाइंट आपके साथ आपके लिए नेक्स्ट टाइम और 5 क्लाइंट्स लेकर आएगा। ठीक है तो डिपेंड, ये देखो यहाँ पे बहुत अच्छा सेंटेंस बोला है, वन हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कस्टमर्स ब्रिंग 10 न्यू कस्टमर्स। वो 10 नए और कस्टमर्स आपके लिए लेकर आता है अलॉन्ग विथ हिम, वेयर एज वन डिसअपॉइंटेड इंडिविजुअल विल स्प्रेड बैड वर्ड ऑफ माउथ एंड स्पॉइल सेवरल ऑफ इयर्स एक्सेप्टिंग एज वेल एज पोटेंशियल कस्टमर्स। देखा, इसलिए ऐसा होता है, अगर एक पर्सन ने अगर आपके सामने बोला है कि एक पर्सन अगर आपकी आपकी सर्विस के बारे में बाहर गलत बोल रहा है, तो एक पर्सन तो भी है बाहर ये बोलने के लिए कि नहीं आपकी सर्विस अच्छी है, और उनके वर्ड्स पे आपके पास नए कस्टमर्स नए क्लाइंट्स आने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है ओके तो हम लोग एक क्लाइंट के पीछे हमारे कितने 10 क्लाइंट्स पीछे रहते हैं। अगर एक क्लाइंट आपका खराब है, एक क्लाइंट को आपने सर्विस प्रॉपर नहीं दी, तो वो आपके बाकी 10 क्लाइंट्स को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है कि आपकी जो सर्विस है वो अच्छी नहीं है करके। ठीक है इसलिए ये जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव क्लाइंट्स आपके पास आए, ज्यादा से ज्यादा आप पॉजिटिव उनको सेंड बाय करो, ताकि वो आगे जाके आपके लिए और 10 न्यू कस्टमर्स को लेकर आए। ओके You need to give something extra to your customers to expect loyalty in turn, in returns. ठीक है, आपको कुछ एक्स्ट्रा देने की जरूरत है उनको। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आप फेशियल कर रहे हो और फ्री में आप उनको नेल शेपिंग करके दे रहे हो, या नेल क्लीनिंग करके दे रहे हो फ्री में, एक सर्विस आप उनको प्रोवाइड करा रहे हो, या हल्की मसाज उनको दे रहे हो, तो इसमें क्या हो रहा है, एक फ्री में और थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देने की वजह से वो क्या हो रहा है, वो आपके पास फिर से आपके पास आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी सर्विस उनको काफी अच्छी लगी है। ठीक है एंड क्वालिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी रिलायबिलिटी यूजेज एंड सो ऑन। द क्वालिटी इज मेजर अकॉर्डिंग टू दिस ड्यूरेबिलिटी रिलायबिलिटी एंड यूजेज एंड सो ऑन। तो आपकी आपकी प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी कितनी है, उसमें रिलायबिलिटी कितनी है, कितना टिकाऊ है, कितना अच्छा प्रोडक्ट का, कितना अच्छी क्वालिटी इसके है, उस पर डिपेंड करता है, एंड सो ऑन। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ स्ट्रक्चर्ड एफर्ट बाय employees to continuously improve the quality of their products and service through proper feedback and research. ठीक है, जो भी continuously effort आप changes ला रहे हो, अगर आप soap बना रहे हो या आप अपनी facial kit बना रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, लोगों से feedback ले रहे हो, और उसी के feedback पे basis पे आप अपने product में changes भी ला रहे हो। ठीक है, या आपके कोल्ड ड्रिंक बना रहे हो, या कोई आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, या आपने कोई चीज आ कोई न्यूट्रिशन सप्लीमेंट आपने बनाया है जो आप लॉन्च कर रहे हो मार्केट में, तो आप लोगों से उसका फीडबैक ले रहे हो, लोगों का ओपिनियन ले रहे हो कि ये ड्रिंक एनर्जी तो देती है पर इसका फ्लेवर हमको पसंद नहीं आता है। तो आप नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, एनर्जी रिक्वायरमेंट उतना ही रहे, बस उसका फ्लेवर को चेंज करने की कोशिश करोगे। आप नया फ्लेवर लेकर आओगे, आप ऑरेंज लेकर आओगे, आप लेमन फ्लेवर लेकर आओगे,
तो ऐसे से आप नए फ्लेवर्स के भी आप एनर्जी बूस्टर्स जो जो पाउडर्स है वो भी आप प्रोवाइड कराओगे लोगों को। ठीक, किसके थ्रू करा रहे हो? फीडबैक के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू, कि लोगों के ओपिनियन क्या है आपके सर्विस को लेके, आपके प्रोडक्ट्स को लेके। ओके, एंश्योरिंग सुपीरियर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सिंगल मेंबर। ठीक है, अपनी प्रोडक्ट की सर्विस और प्रोडक्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ एक पर्सन की नहीं होती है, नॉट अ सिंगल मेंबर, ये पूरा ग्रुप ऑफ मेंबर्स, पूरे पूरी जो कंपनी होती है, कंपनी के हर एक मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर एक मैनेजमेंट पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एवरी इंडिविजुअल हु रिसीव हिज हर पे चेक फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू कंट्रीब्यूट इक्वली। Contribute equally there I am every individual who receive his her paycheck from the organization has to contribute equally to design full proof process and systems which would eventually ensure superior quality of products and services। जितना भी प्रॉफिट आपको मिलता है कंपनीज में मिलता है, या फिर आपको जो सर्विस को लेके मिल रहा है, आपको प्रोडक्ट को लेके मिल रहा है, वो इक्वली डिवाइड होता है आपके सारे एम्प्लॉयज के साथ में, सारे मैनेजमेंट के साथ में। ठीक है, बट जो क्वालिटी एंड जो आप सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हो वो पूरा डिपेंड रहता है किस पे, कि जो मैनेजर हो, जो सिस्टम जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, जितना आप उनको डेलीगेशन दे रहे हो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है गर्ल्स की, ऐसा नहीं होता है कि आपके पास कैसा भी क्लाइंट है और आप हमेशा उनको उनको एंटरटेन करो, हमेशा उनको खुश रखो। कहीं ना कहीं कस्टम जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके भी राइट्स होते हैं, उनके भी लॉज होते हैं, उनके भी राइट्स होते हैं, उनको हम एकदम नीचे गिरा के बात नहीं कर सकते। ठीक है, उनको हम गाली गलौज दे के कोई ऑर्डर प्लेस करना है, मोस्टली जो लोग होते हैं जो रिच पर्सन होते हैं, वो लोग रिच हो या कोई भी पर्सन हो, वो लोग जो वेटर्स होते हैं या जो मैनेजर्स होते हैं उनके साथ में बहुत रूडली बिहेव करते हैं। ठीक है, बट उनकी पोजीशन ही ऐसी है और उनका काम ही ऐसा है कि वो इतने काम रहते हैं और इतने पोटेंशियल रहते हैं कि वो सारी चीजों को मैनेज कर लेते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज इंटेंड अ जॉइंट एफर्ट ऑफ मैनेजमेंट स्टाफ मेंबर्स वर्कफोर्स सप्लायर्स इन ऑर्डर टू मीट द एक्सीड कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल। अब एक क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए देखो कौन कौन काम करता है, अपनी कंपनी में तो काम कर ही रही है, साथ ही साथ कंपनी में जो मैनेजमेंट है वो काम कर रहा है, स्टाफ मेंबर काम कर रहा है, वर्कफोर्स काम कर रही है, सप्लायर जो सप्लाई कर रहा है, आपको सब जो स्टेक होल्डर्स है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब लोग काम कर रहे हैं और इससे इनके काम करने की वजह से हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सीड कर रहे हैं, हम अचीव कर रहे हैं क्या, कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल, उनके कस्टमर सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है उस लेवल तक हम पहुंच रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अभी एक पेंडेमिक सिचुएशन में भी हम लोग पूरे जो कॉलेज का पूरा डिपार्टमेंट जो पूरा स्टाफ जो लगा है किस चीज पे लगा है कि आपका एजुकेशन हमको ऑनलाइन के थ्रू कंप्लीट कराना है, तो इसमें पूरी टीम, पूरी जो कॉलेज की जो टीम है, पूरा वो सिस्टम, पूरा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है, पूरा यूनिटी ऑफ वर्क है इसमें, कोई एक के करने से नहीं हो रहा है, इसमें पूरा टीम वर्क है, टीम वर्क करने से पॉसिबल हो पा रहा है कि हम आपके ऑनलाइन क्लासेस ले पा रहे हैं। हमने नेट सिस्टम बैठा ले, कंप्यूटर्स बैठा है, हमने काफी लोगों से साथ में मिलने के बाद जूम क्लासेस की ट्रेनिंग ली कि ये आपको किस तरीके से यूज करना है, इस ऐप में आप पीपीटीज दे सकते हो, सेमिनार दे सकते हो, टीचिंग्स कैसे हो सकती है, किस तरीके से लड़कियों को हम एजुकेट कर सकेंगे। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, ये भी एक टीम एफर्ट है, एक टीम मैनेजमेंट कर रहे हैं हम लोग भी। ठीक है, प्रॉपर तरीके से हर एक का हर एक टाइम शेड्यूल बनाया जा रहा है, टाइम टेबल बनाया जा रहा है, टाइम टेबल में टाइम टू टाइम चेंजेस किया जा रहा है कि टाइम टू टाइम में क्या चेंजेस करना है, कौन से सब्जेक्ट को पहले कंप्लीट करना है, आपके एग्जाम के एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट करना है, आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है। तो ये पूरा एक टीम मैनेजमेंट है, यूनिटी मैनेजमेंट है, जिसमें कि अगर एक भी पर्सन एफर्ट नहीं डालता है, अगर एक भी पर्सन काम नहीं करता है, तो पूरा टीम जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे सभी का इंडिविजुअली इक्वल एफर्ट्स होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा जो भी कंसेप्ट है, जो भी गोल्स है, वो अचीव हो सके। ठीक है, द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज इंटेंड अ जॉइंट एफर्ट ऑफ मैनेजमेंट स्टाफ मेंबर्स वर्कफोर्स सप्लायर्स इन ऑर्डर टू मीट द एक्सीड कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल। यू कैन नॉट जस्ट ब्लेम वन पर्सन फॉर नॉट एड्रिंग द क्वालिटी मेजर्स। ठीक है, हम किसी एक को ही कंप्लेन नहीं कर सकते या इसी एक पर्सन को ही नहीं बोल सकते कि आपकी वजह से हमारा लॉस हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो सभी पर्सन जितने भी मेंबर्स है, जितने भी कस्टमर, जितने भी कंपनी में काम कर रहे हैं, सभी का लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सभी का प्रॉफिट हो रहा है।
ठीक है, तो ये इक्वल ही डिफाइन करता है, इक्वल ही, इक्वली अपो इक्वली सब चीजों का प्रॉफिट डिवाइड किया जाता है, ठीक है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द शोल्डर ऑफ एवरी वन हु इज इवन रिमोटली एसोसिएट विथ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी पे डिपेंड करती है, सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोगों अपने कॉलेज का कोई सेमिनार है, कोई वर्कशॉप, कोई गैदरिंग आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, अगर वहाँ मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा, प्रॉपर डेकोरेशन नहीं हो रहा है, या कैटरर्स वाला प्रॉपर नहीं आ रहा है, या जो कैटरर्स वाले ने जो खाना बनाया वो प्रॉपर नहीं है, तो सिर्फ एक ही जन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? नहीं, आप किसी एक पर्सन को ब्लेम नहीं कर सकते। हम अगर हमको वो चीज पसंद नहीं आ रही है, आपके गेस्ट को अगर वो चीज पसंद नहीं आ रही है, कोई टीचर्स को अगर वो चीज पसंद नहीं आ रही है, तो वो पूरे क्लास को बोलेंगे, पूरे ग्रुप एक्टिविटी जो पर्सन की है उनको बोलेंगे कि आप लोगों का विद इन टाइम में चीजें नहीं हुई, तो सभी को डांटेंगे, ठीक है। भले ही आपको पता है कि आपको किसके वजह से हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों लेट हो रहा है, आप आपस में जानते हो, बट दिस इज अ टीम वर्क, यू हैव टू वर्क इन टीम। अगर वो पसंद नहीं कर रहा है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नेक्स्ट टाइम आपको देना ही नहीं है, वो अपने आप ही समझ जाएगा कि मैं भरोसे के लायक ही नहीं हूँ, इसलिए इन लोगों ने मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं है, वो अपने आप ही शर्म के मारे ही निकल जाएगा, ठीक है। तो किसी के पीछे आपको लगने की जरूरत नहीं है, जो आगे से इंटरेस्टेड है, जो आगे से एफर्ट डाल रहा है, आपको बस उन्हीं के साथ में काम करना है, कंप्लेन कम करनी है और काम ज्यादा करना है। अगर आप हर बार आके यही बोलोगे कि मैडम वो काम नहीं कर रही है, मैडम वो लड़की ने मेरे को ये सपोर्ट नहीं किया, मैडम वो लड़की ने मेरे को ये नहीं किया, हाँ बाबा ठीक है नहीं किया, देर आर सम बैरियर्स, देर आर सम रीजन, मे बी उसका कुछ रीजन जो भी है, शायद बहुत बहुत ज्यादा माइनर हो सकता है या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, मे बी उसके घर पे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या मे बी उसके पास टाइम नहीं है, जो घर वालों को टाइम देना पड़ रहा है, इस वजह से शायद वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही हो, तो यू कांट ब्लेम एनी वन। आपको क्या करना है, फटाक से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। ओके, आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, मैं कहीं और से अरेंज करती हूँ। ओके, आप ये चीज नहीं कर पा रहे हो, मैं कई और से देखती हूँ, इतना पैसा लग रहा है, मैं कई और से बात करके देखती हूँ, इसका पैसा और कम हो सकता है। आप क्या कर रहे हो, आप सॉल्यूशन पे काम कर रहे हो, आप प्रॉब्लम सुन रहे हो और फटाक से सॉल्यूशन पे काम कर रहे हो, मतलब यू आर अ वेल डेवलप्ड पर्सन, आप में वो एटीट्यूड आ चुका है। जब आपने ये क्वालिटी आ जाना गर्ल्स, तो आप लोगों को सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, ठीक है। कोई भी आपको कितना भी बोले कि आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, कुछ नहीं कर सकते आप लाइफ में, बट आपका एटीट्यूड अगर ऐसा है कि आप प्रॉब्लम्स कम गिनते हो और सोल्यूशन ज्यादा करते हो, पॉजिटिविटी ज्यादा देखते हो, तो आपको कुछ भी अचीव करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप सोल्यूशंस पे काम कर रहे हो, आप सोल्यूशन देख रहे हो, आप हर एक चीज को मैडम को या कोई अपने बड़े बहनों को या भाइयों को जाकर के कंप्लेन नहीं कर रहे हो, आप रोते नहीं बैठ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप खड़े हो रहे हो और उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो कि यस आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, मैं ये चीज को कर सकती हूँ, मेरी फ्रेंड ने बैकआउट कर दिया लेकिन मैं अकेले कर सकती हूँ, ठीक है। आई नो कि एक म्यूचुअल सपोर्ट लगता है, हमको भी एक फ्रेंड का बॉन्ड लगता है, फ्रेंड का सपोर्ट लगता है, लेकिन किसी के सपोर्ट से कोई चीज, कोई सक्सेस को अचीव करना और खुद के पैरों पर कोई सक्सेस अचीव करना, दोनों में फर्क बहुत है। दोनों का सेटिस्फेक्शन जो एंड में जो रिजल्ट आता है और उसका जो मजा मिलता है, वो दोनों का एक्सपीरियंस भी बहुत अलग है, ठीक है। तो कभी भी लाइफ में, चाहे आपके पर्सनल चीजें हो या आपके प्रोफेशनल चीजें हो, आप दोनों चीज में आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दो, हर एक चीज से लड़ो। कॉम्प्लिकेशन हर एक जगह आती है बेटा, हर एक प्लेस में आती है, आपके पर्सनल लाइफ में भी, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी, बट इट्स अप टू यू कि आपको उसको किस तरीके से लेना है। आपको उसको रोते हुए लेके बैठना है कि यार मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है करते हुए, या आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि हाँ ये मेरी प्रॉब्लम है लेकिन मैं इसके लिए ये कर रही हूँ, तो ये एक ना दिन चले जाने वाली, यू हैव दैट बिलीव कि हाँ एक दिन तो मैं इस प्रॉब्लम से निकल जाऊंगी। मैम मैम पर्सनल लाइफ तो समझा, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ मतलब मैम? प्रोफेशनल लाइफ मतलब आपका ऑफिस वर्क, अगर आप कोई कॉलेज में हो, प्रोफेशनल मतलब आपकी पर्सनल लाइफ हो गई है। प्रोफेशनल लाइफ वो होती है जहाँ आप ऑफिशियली वर्क कर रहे हो, कोई एज अ लेक्चरर होगा, कोई एज अ डॉक्टर होगा, कोई एज अ लॉयर होगा, तो लॉयर अपने लॉयर में काम कर रहा है, वहां पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। पर्सनल प्रॉब्लम के जो बाहर की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको प्रोफेशनल बोलते हैं कि आप प्रोफेशनली क्या हो, आपका प्रोफेशनल क्या है। अगर जैसे स्वाति का प्रोफेशनल क्या है, स्पोर्ट्स पर्सन है वो, अभी वो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो कहीं और मैच खेलने गई है, पर उसको प्रोफेशनल फील्ड में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मतलब उसे कोई मैनेजमेंट उसका साथ नहीं दे रहा है, या मैनेजमेंट उसको टीम में नहीं ले रहा है, या उसके साथ पॉलिटिक्स हो रहा है, तो वो उसका प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स है, ठीक
ठीक है, पर्सनल प्रॉब्लम कब आएंगे, जब आपके पर्सनल रिलेशनशिप या पर्सनल मॉम डैड के साथ या आपके जो भी पर्सनल जो भी बॉन्ड है जिसके भी साथ में, उनके साथ में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो आपके पर्सनल बैरियर्स है। समझ में आया प्रोफेशनल एंड पर्सनल बैरियर्स? हाँ मैम। ठीक है, आप जो भी फील्ड में काम कर रहे हो, जो भी फील्ड में आप हो, ऑफिस वर्क कर रहे हो या कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, अगर वहां का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो आपका प्रोफेशनल वर्क है, वो अब वहां पे काम करके पैसा कमा रहे हो, दिस इज योर प्रोफेशनल वर्क। ओके हाँ मैम। Then next point, the responsibility lies on the shoulder of everyone who is even remotely associated with the organization. ये एक definition है W. Edwards Deming and Joseph M. Jorens and Armand V. Pergen, इन्होंने बताया है जॉन की डेवलप द कंसेप्ट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इन्होंने कुछ डिफाइनेशन बताया है। आपको पेपर में ऐसा भी आ सकता है, एग्जाम में एक डेफिनेशन दी होंगी और आपको पूछेंगे कि ये डेफिनेशन किसने एस्टैब्लिश किया है, किसने ऑर्गेनाइज किया है, तो आपको डेफिनेशन अच्छे से याद होना चाहिए और नाम भी याद होना चाहिए राइटर्स के। द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ओरिजिनेट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बट कैन बी अप्लाइड एट ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशन। अब क्वालिटी मैनेजमेंट ये एस्टैब्लिश होता है ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन साथ ही साथ क्वालिटी मैनेजमेंट आप हर एक फील्ड में इसको यूज करते ही हो। ठीक है, आप कुछ प्रोडक्ट कुछ बना रहे हो, आपने जैसे शेंगदाने की चिक्की बना रहे हो आप, तो आप वहां पे ध्यान रख रहे हो कि शेंगदाने एकदम अच्छे वाले आप फ्रेश वाले ले रहे हो, कोई खराब शेंगदाना आप उसको सबको निकाल रहे हो, गुड़ आप अच्छी क्वालिटी का यूज कर रहे हो, ठीक है, पूरा क्लीन अच्छे पूरा साफ सफाई के साथ उसको बना रहे हो, तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, आप अपनी क्वालिटी को वहाँ पे मेजर कर रहे हो। बट जब वो बन के जब बाहर आ रहा है, प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है, तो आप पैकेजिंग के वक्त भी ध्यान दे रहे हो कि पैकेजिंग भी प्रॉपर होना चाहिए, उसमें जो भी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, लाइसेंस डेट, लाइसेंस नंबर, सारी चीजें वहां आना चाहिए, तो आप वहां पे भी ध्यान रख रहे हो कि वहां पे भी हमारी क्वालिटी अच्छी होना चाहिए। देन आप डिस्ट्रीब्यूटर में भी ध्यान रख रहे हो कि डिस्ट्रीब्यूटर भी शुड हैव क्वालिटी मेंटेन, कि वो प्रॉपर तरीके से जिस तरीके से हम रैपर प्रैप करके भेज रहे हैं उसी तरीके से वो स्टेक होल्डर्स भी इसको प्रॉपर तरीके से अचीव करें, रिसीव करें। ठीक है, तो आप इस तरीके इसका भी ध्यान रख रहे हो कि ज्यादा ह्यूमिडिटी है तो उसको इस तरीके से रैपिंग की जाए कि वो ह्यूमिडिटी में भी पिघले ना, गुड़ को गुड़ ज्यादा पिघल ना पाए, ऐसे चीज आप उसमें सब्सट्रैक्ट कर रहे हो या प्रिजर्वेटिव डाल रहे हो ऐसे, तो आप हर एक चीज में अपनी क्वालिटी का ध्यान रख रहे हो। ठीक है, इसमें इस राइटर ने बताया है। Then next दिया है, the quality management ensure that every single employees is a working towards the improvement। मैंने अभी आपको बताया कि हर एक single person work करता है employment कोई भी company में, तभी जाके आपको अपने काम में improvement दिखेगा, अपने quality में improve दिखेगा, आपके result में improvement दिखेगा। तो क्या improvement क्या होगा, work culture, process, service, system and so on to ensure long term success, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी। आपको मैंने कॉलेज का ऑर्गेनाइजेशन करने दिया है, ठीक है, कॉलेज का ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको दिया मैंने मौका, तो आप क्या कर रहे हो, आप इस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो कि नेक्स्ट टाइम भी आपका कॉलेज में नाम लिया जाए कि इस बैच ने इस तरीके से अरेंजमेंट किया था और बहुत ज्यादा तरीके से उन्होंने सब चीजों को अच्छे से मैनेज किया और विद इन अ बजट में वो सब चीजों को किया। ठीक है, तो ये चीजें हो जाने के बाद कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं गर्ल जो कॉलेज में आपके कॉलेज से आपके निकल जाने के बाद भी लोग याद रखते हैं। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि आपने कुछ इस तरीके से कुछ चीजें की कि वहां पे क्वालिटी दिखी, आपने एक क्वालिटी यूनिक क्वालिटी दिखी, तो वो यूनिक क्वालिटी हमेशा कोई भी याद रखता है। समझ में आया इतना? नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके मैम। किसी को कोई डाउट है बेटा? No, ma'am. और आज FAD का कोई स्टूडेंट है जॉइन? नो मैम। ऑल आर BMS? हाँ मैम। मैनेजमेंट के ये बेटा? मैम। आरती, अर्पिता, दीक्षा, जयश्री, नेहा, प्रेरिका, शीतल, स्वाति,
ओके, आप मैनेजमेंट की जैसे आपने ज्वाइन किया बेटा, बात की आपने आगे? हेलो, क्या मैम आपने बात की अपने फुटबॉल के लिए? नहीं मैम। क्यों बेटा? मुझे लगा आपको इतना इनकरेज किया मैंने तो आप शायद आगे कुछ सोचोगे। मैम जब चालू होगा तब बात करूंगी। चालू हो चुका है बेटा, मॉर्निंग में आपके बैचेस शुरू है हो चुकी है, स्पोर्ट्स चालू हो चुका है, स्पोर्ट्स भी लेवल वन में ही आ रहा है अपना। जितना डर के घर के अंदर बैठोगे ना उतना कुछ भी चीजें आप नहीं सीख पाओगे, उतना चीजों को खोते जाओगे धीरे धीरे। कुछ बन के तो देखो उसका अलग ही मजा आता है। Yes, ma'am. आप बनोगे तो आपके क्लास, आपके घर वालों के लिए, आपके फैमिली के लिए आप एक गोल, एक एम्बिशन बनोगे, एक टारगेट बनोगे कि एक बंदी ने किया है मतलब हमारे फैमिली में हर कोई कर सकता है। नहीं नेशनल वैशनल पर अच्छा स्टे, कुछ लेवल का तो खेल कराओ बेटा मैच वैच। आपको जर, अगर आपको सच में स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप उतना कर ही सकते हो। ठीक है गर्ल्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। यस मैम। ओके थैंक यू। थैंक यू मैम।